मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर का नाम सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि स्वच्छता के नाम से विदेश में भी विख्यात है। साथ ही इंदौर एक एजुकेशन हब भी बन चुका है, जहां पर आसपास के छात्र छात्राओं के अलावा देश भर से विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए इंदौर में आते हैं। लेकिन इन दिनों भंवर कुआं चौराहा पर छात्रों की ऐसी बाढ़ आ गई है कि जिनके पैदल चलने की वजह से यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है। आपको बता दें कि इंदौर का भंवर कुआं चौराहा के आसपास बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर लगते हैं, जहां पर हजारों छात्र पढ़ते हैं जो इस चौराहे का इस्तेमाल पैदल चलने में करते हैं। सिग्नल पर वाहन तो रुक जाते हैं, मगर पैदल चलने वाले छात्रों की भीड़ इतनी है कि वाहन चालक बीच में ही रुक जाते हैं और फिर सिग्नल बंद हो जाता है, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है। भंवर कुआं चौराहा का इस प्रकार का दृश्य एक अंधे को भी दिखाई दे रहा है, मगर यह ना तो इंदौर नगर निगम को दिख रहा है और न ही इंदौर यातायात पुलिस को। अगर चौराहे पर पैदल चलने वालों का दूसरा विकल्प नहीं निकाला गया तो यहां बड़े हादसे का कारण हो सकता है। आइए हम आपको दिखाते हैं इंदौर से हमारे संवाददाता अमर वर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। ये है इंदौर का भंवर कुआं चौराहा, जहां पर व्यवस्था पैदल चलने वाले स्टूडेंट की वजह से काफी अस्त व्यस्त हो गई है। हम बात करते हैं यातायात प्रभारी से। ये है यातायात प्रभारी, मतलब क्या व्यवस्था बिगड़ रही, क्यों बिगड़ रही? पैदल चलने वालों की व्यवस्था, ये इधर से निकलते हैं तो ये वाहनों को निकलने नहीं देते। अच्छा, तो क्या इसमें हादसे भी बहुत है क्या? हादसे है ना, सब लोग मिलता है तो ट्रैफिक चलता है, बहुत जाम हो जाता है। और मुंबई में इधर से भी गाड़ी आती है, मुंबई का पालन भी नहीं कर रहे थे, फोर व्हीलर भी आने लग गए, आजकल टू व्हीलर भी आने लग गए। हाँ सब चालान, तो देखा आपने, यातायात पुलिस का कहना है कि यहाँ पर पैदल चलने वाले की वजह से यहाँ पर काफ़ी जाम लगा रहता है। भगवान सिंह जी का कहना है कि इस पर कई जाम लगते हैं और कई मतलब एक्सीडेंट भी होते हैं। कैमरामैन दिनेश के साथ अमर वर्मा, समाचार एक्सप्रेस, इंदौर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।